अब वहाँ उपस्थित जनों के ये तो आंखें खुल गई के है कोई शक्ति। युधिष्ठिर आया कि भगवान आपकी कृपा से हो गया काम, होगी दया आपकी, शंख बज गया। श्री कृष्ण जी ने कहा कि नहीं, ये शंख भाई अखंड बजना चाहिए था, बहुत देर तक ऋषिकी तक स्वर्ग तक आवाज जाएगी, ये पूरा काम बना नहीं, कार्य सिद्धि नहीं हुई। तब युधिष्ठिर पेट पकड़ कर बैठ गया कि भगवान अब किसको बुला के लाना है। श्री कृष्ण कहने लगे कि नहीं, अब ये आखिरी लास्ट आ लिया भाई, ये क्या सुपच सुपच उस समय जैसे आजकल हरिजन कहते हैं ना, या शेड्यूल कास्ट कह देते हैं, उस समय सुपच कहा करते थे शेड्यूल कास्ट वालों को। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं यू के सुपच दिखाई दे है सुदर्शन जी, इसके एक बाल के समान भी ये तीन लोग ने, इतनी शक्ति भक्ति की इसके अंदर है। अब वो तो श्री कृष्ण तो उसकी ताक शक्ति तोड़ रहा था और ये पहचान नहीं पाया कि ये पूर्ण परमात्मा, लेकिन शक्ति के आधार से ये सोच रहा था कि परम शक्ति युक्त है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा युधिष्ठिर शंख ना बजा, ये कोई अपने घर में दोष है, किसी ने संत के प्रति कोई ऊंच नीच सोचा है जिस कारण से शंख बजा नहीं। तब श्री कृष्ण जी ने कहा द्रौपदी बहन इधर आ, कहाँ जी कि बहन सच्ची बात बताना, जब महात्मा जी भोजन खा रहे थे, श्री कृष्ण भी देख रहे थे और साधु कैसे खावा खान, तो तुमने अपने हिसाब से दे दिया सो दे दिया। तो उसने क्या किया, द्रौपदी से पूछा कि तेरे मन में कुछ दोष आया, तेने क्या सोचा जब यू महाराज भोजन खावे थे, साची बता दिया नहीं तो यू काम बिगड़ गया तुम्हारा। अब साची बताऊंगी जी, ये जब ये मैंने दो घंटे तक ताक फटवाई धूमे में, अलग अलग आइटम बनाए, मैंने सोचा ये था कि महात्मा भोजन खाओगा, आंगली चाटता रह जाओगा और मेरे सौ जगह गुण गाओगा। और इसने जब देखा सारी या मिला दिया इकट्ठा खिचड़ी बना दी, मेरे मन में दोष आ गया कि काहे का संत है ये, रहा सूदर का सूदर, इसने खान का भी ना बेरा, ये कितके शंख बजाओगा, इसे अच्छा यूँ मन पता होता तो मैं सीधा दलिया बना देती इसकी खातर। तो ऐसे ऐसे मन में दोष आ गए। तो श्री कृष्ण कहने लगे नालायक तेने बहुत बड़ी गलती कर दी, ये तंत्रयामी है, अरे तुझे सीधा करना चाहते ना शंख तय वो भी बजा दें, खान की भी जरूरत ना थी, पर नालायक तेने जुलम कर दिया, अब माफी मांगिन तें और इनके चरणा की धूल, ये चरण दो का पी धूल समेत, एक संत के बारे में इतना दोष ले लिया, तू क्या भोजन खिला देगी इस महापुरुष को, असंख्य ब्रह्मांड का दाता है ये, और तू इसने एक दिन के आहार का भोजन करा के तूने मोल ले लिया इसको, तूने खाना बना दिया, खाने दे कैसे खावा, ये बहुत गलती करी तूने। हकान जी बहुत गलत बन गया, बहुत गलत सोचा मैंने। द्रौपदी भी पुण्यात्मा थी, तुरंत स्वीकार कर लिया कि हम भयंकर भूल बनी। उसी समय लाई एक पात्र उठाकर तसला या बाल जैसा भी प्रात, और श्री सुदर्शन रूप में विराजमान प्रभु के चरण धोए धूल समेत और गाल के लोटे में पीने लगी, आधा पी लिया। जब श्री कृष्ण जी ने कहा बहन आधा मुझे भी दे दे, तो आधा श्री कृष्ण जी ने आधा पिया द्रौपदी ने, और फिर वो शंख परमात्मा ने संकेत कर दिया, इतना जोर की आवाज़ गई पूरे स्वर्ग तक आवाज़ गई। उसी समय एकदम वातावरण बदल गया, सब पौधे जो थे वो फलों से पत्तों से हरे भरे हो गए, जैसे बसंत ऋतु जैसा मौसम हो गया, फलों से लथपथ हो गए, फूलों वाले फूलों से लथपथ हो गए, और स्वर्ग तक आवाज़ गई, सबकी आत्मा में शांति उत्पन्न होगी। तब उन पांडवों के वो तीन ताप कटे, ओए होए तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना तेनु तापम। ये तीन ताप का दुख भी कष्ट, यानी जैसे प्रेत बाधाएं हैं, हमने देखा कोई कह दी मैं तो 20 साल 3 साल आसर जा लिया, 6 वर्ष वहाँ पता नहीं कहाँ बताए, वहाँ धक्के खा लिए, झाड़े लुवा लिए अर्जों के चूँ, और यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ हम ना झाड़ा जानते
ना कोई झाड़ा लगाते, सिर्फ एक भगवान की वो मंत्र देते हैं। वो भगवान की भक्ति एक ऐसा है जैसे ऑल आउट लगा दे कमरे में, मच्छर सारे बाहर भाग जाते हैं। तो ऐसे इस मंत्र की शक्ति से, इससे हमारा जो भक्ति करने का उद्देश्य तो है मोक्ष प्राप्ति, और ये इससे ऑटोमेटिकली संकट सब बाधाएं दूर होने लग जाएंगी। इसमें ये एक गुण है इस भक्ति में। और फिर कोई भी जंतर मंत्र करके दिखा दियो हमारे भगत का ऊपर। एक भगत कह रहा था जी, हमारे ऊपर किसी ने घाल डाल दी ऊपर से, एक आती है जैसे दीपक सा चस्ता हुआ और ये सिद्धि से चल पड़ती हैं ऐसी, और हम आरती की तैयारी कर रहे थे ऊपर चौबारे में, आगे आंगन था, आगे गली थी, तो गली के ऊपर मंडेरे के ऊपर आकर आवाज़ आई बाहर आंगन गली के ऊपर, और बीच में आंगन था, आगे चौबारे में हम आरती की तैयारी कर रहे थे। हम सभी बैठे भक्त, बच्चे छोटे छोटे, वो भी नाम लिए हुए थे, और पहले वो प्रेत बाधाओं से बाधित थे, नाम लेने से स्वस्थ हो गए थे, ठीक हो गए थे, 5-6 महीने उन्होंने नाम लिए हो गए थे। तो किसी ने फिर से वो जंतर मंतर करके देखा और वहाँ ऐसी आवाज़ आई जैसे मुझे बुलाया। मैं एकदम बाहर चौखट पर आया तो सामने मैंने एक दीपक सा चस्ता हुआ नजर आया, शाम के 7:30 बजे 8 बजे, यानी सूर्य अस्त हो चुका था। और एकदम मैंने मालिक का को याद किया तो वो एकदम वापस वहाँ से चला गया, और उधर अंदर आकर देखा बच्चों के थोड़ा थोड़ा ऐसा अफेक्ट सा हुआ, एकदम जैसे हबक सी आई। फिर हमने आरती शुरू कर दी, हम तुरंत ठीक हो गए। कोई भी हमारे ऊपर, वो पहले तो बहुत बुरा हाल था हमारा, हम फिर डर गए थे कि आज फिर बात बिगड़ेगी, लेकिन वो चारा चला नहीं। तो परमात्मा कहते हैं हमारे भक्त के ऊपर फिर कोई करके दिखा दियो जंतर मंतर, और हम नहीं जानते किसी का करना। जैसे कई भक्त कहते हैं कि जी हमारे जो चाचे ताऊ हैं वो हमसे झगड़ा करते हैं, क्या करते हैं कि तुमने हमारे ऊपर कुछ जादू टूना करा दिया, तुम जहाँ जिस गुरु के पास जाते हो उनसे तुमने हमारे करवा दिया, वो सारे भूत हमारा आगे अपने आत्मा। वो हमारा परमात्मा कबीर जी की साधना भक्ति प्रारंभ कर देने से वहाँ तक ऑल आउट लग गई, तो फिर वो दूसरे आए कर जाएंगे। हम नहीं करते किसी के कुछ, अपना अवस्था जरूर करते कि हमारे नारे निकम्मे। तो इसलिए कहते हैं वो हमारे साथ लड़े हैं कि वो सारे भूत मारा आगे। तो भाई उनसे भी कह दे वो भी ऑल आउट ले जाए, यहाँ से आप चल जाएंगे कितने हुए। तो परमात्मा कहते हैं देवी देव ठाढ़े बहे, कबीर जी कहते हैं मेरे पास आका हाथ जोड़कर खड़े हो जाते, ये देवी देवता ये भूत पितर सारे, और कहते हैं भगवान जो आपकी भक्ति करते हैं वो हमारी पूजा नहीं करते, अब हमको ठोर बताओ हम कहाँ जाएं। परमात्मा कहते हैं जो मुझे पूजे नहीं उनको लूटो खाओ। अब कबीर परमेश्वर कहते हैं देवी देव ठाढ़े भय हमको ठोड़ बताओ। परमात्मा कहते हैं जो मुझको पूजे नहीं उनको लूटो खाओ, उन पर कटवाओ श्राद्ध कनागत और 5 लत्ते धरवाओ उन पर, लेकिन हमारे भगत के निकट मत आना, चले जाओ यहाँ से। अब आपको परमात्मा की महिमा सुनाते हैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी से, कितनी प्यारी वाणी है ये परमात्मा की। यज्ञ का प्रकरण आपको अब सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी के माध्यम से भी एक बार पुनर्रिवाइज करते हैं। पांचों पांडव संग हैं छठे कृष्ण मुरार, चलिए हमारी यज्ञ में समर्थ सृजनहार। अब जब श्री कृष्ण जी और पांचों पांडव परमात्मा के पास पहुँचे, सुदर्शन जी तो चले गए थे, सुदर्शन रूप धार के उनके घर पे परमात्मा कबीर परमेश्वर जी विराजमान थे। गरीबदास महाराज जी प्रमाण दे रहे हैं कि क्या चित्रण हुआ था, कैसी लीला हुई थी। पांचों पांडव संग हैं और छठे कृष्ण मुरार, चलिए हमारी यज्ञ में हे समर्थ सृजनहार। अब श्री कृष्ण जी जाकर कहते हैं उस परमेश्वर को
कि हमारी यज्ञ में चलिए हे समर्थ सृजनहार। पांडव यज्ञ अश्वमेघ में सतगुरु किया पियान, पांचों पांडव संग चले और छठा भगवान। अब क्या बताते हैं कि पांडवों के निमंत्रण स्वीकार करके फिर परमात्मा कबीर जी यानी सुदर्शन रूप में और वो छठा भगवान श्री कृष्ण और पांचों पांडव फिर वापस आए। पांडव यज्ञ अश्वमेघ में वाल्मीकि की दे, यानी वाल्मीकि वो सुदर्शन जो थे वो वाल्मीकि जाति से थे और सुदर्शन जैसे हरिजन बोलते हैं ऐसे वो सुदर्शन उनका नाम था, सुपच कहा करते थे उनको, जैसे आजकल शेड्यूल कास्ट कह देते हैं। तो श्री परमात्मा और वैसे करुणामय नाम से जो परमात्मा प्रकट थे उसमें शिशु रूप धारण करके वो आए थे, तो उसमें भी एक निसंतान वाल्मीकि ने उन्होंने परमात्मा को उस बालक रूप में प्रकट परमेश्वर को अपने पास रखा था, पुत्रवत पालन की लीला की थी। तो इसलिए करुणामय जी भी उसमें जैसे वाल्मीकि कहलाते थे, जैसे अब कबीर रूप में आए जब वो जुलाहा कहलाते थे तो वो स्वयं भी वाल्मीकि कहलाते थे और उनका जो शिष्य था सुदर्शन वो भी वाल्मीकि ही जाति से था। पांडव यज्ञ अश्वमेघ में वाल्मीकि की दे, शंख पचायण बाजिया राख्या नहीं संधे, सुपच रूप धर आईया वो सतगुरु पुरुष कबीर, तीन लोक की मेदनी व सुर नर मुनि जन भीड़े। कहते हो तीन लोक की फौज बैठी थी, 33 करोड़ देवता, 28,000 ऋषि और 56 करोड़ रिश्तेदार थे, और पांडवों के यादव वो सारे चूल्हा नौतारे थे और वो भी अपने आप में बड़े भगत को आया करते थे। अब क्या बताते हैं, सुपच रूप धर आई या सतगुरु पुरुष कबीर। अब देखो गरीबदास साहिब जी ने कितनी महिमा एक ही सेंटेंस में कही कि सतगुरु पुरुष कबीर। सतगुरु माने वो जगत गुरु तत्व ज्ञान देने के उद्देश्य से, और पुरुष माने परमेश्वर, और कबीर मीन कबीर जो वर्तमान वाले कबीर ही उस समय सुपच नाम से आए हुए थे, जो अब कलयुग में जो कबीर जी आए हैं। सुपच रूप धर आई या सतगुरु पुरुष कबीर, तीन लोक की वह फौज मेदनी और सुर नर मुनि जन भीड़, वह पूरा कठकट्ठा हो रहा था, भीड़ लग रही थी। पांडव यज्ञ अश्वमेघ में आए नजर निहाले, पांडव यज्ञ अश्वमेघ में वो आए नजर निहाले, जमराजा की बंद में फिर खलहल पड़ा कमाल, सुपच रूप को देख कर द्रौपदी मानी संक, जान गए जगदीश गुरु बाजत ना ही संक। अब द्रौपदी के मन का दोष देख कर परमात्मा ने देख लिया कि इसने करूँगा ठीक। सुपच रूप को देख कर द्रौपदी मानी संक, जान गए जगदीश गुरु बाजत ना ही संक, 56 भोग संयोग कर कीने पंच ग्रास, द्रौपदी के दिल दुई है ना ही दृढ़ विश्वास। पांचों पांडव यज्ञ करी कल्पवृक्ष की छाही, द्रौपदी के दिल बंक है न्यो कणकण बाजा नाही, सुर नर मुनि जन यज्ञ में वो त्रिलोकी के भूप, और सुपत जग में आईया नित बेचत है सूप। कहते हैं सुर नर मुनि जन यज्ञ में वो त्रिलोकी के भूप, ये तीन लोक के स्वामी श्री कृष्ण जी और विष्णु जी ब्रह्मा जी शिव जी, ये तीन लोक के स्वामी भी वहाँ आए थे, इन तभी शंख बजा नहीं। अब जैसे श्री कृष्ण जी ने भोजन खा लिया था और सारे देवताओं ने भोजन खा लिया था, ऋषियों ने मह ऋषियों ने, फिर भी शंख ना बजा, तो श्री कृष्ण जी की भक्ति कहाँ थी, वो कितने